आदि लाओ रिंग मुझे दे दो। नहीं दूंगा। आदि ऐसे जिद नहीं करते, लाओ रिंग मुझे दे दो। अरे खबरदार, अगर किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो राजू। अविनाश अब ठीक हो? रुक जाइए मां, सब पीछे चले जाइए। तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो ये हम नहीं जानते, लेकिन तुम जो भी हो चली जाओ यहां से, क्योंकि हमें तुमसे और तुम्हारी काली दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है अंश, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? बच्चा, बच्चा, बच्चा। एक बहुत ही खास मकसद के लिए। तुम्हारा जो भी मकसद है वो मैं कभी पूरा नहीं करने वाला, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अपनी शक्तियां पहले ही त्याग चुका हूं, तो तुम्हारा मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता। भले ही तुम्हारे अंदर की शक्तियां खत्म हो गई, लेकिन अंश तुम्हारे अंदर एक डायन का खून है और वो मेरे लिए काफी है। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा असली रूप देखने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करूंगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा ये असली रूप तुम्हें याद ही नहीं रहेगा। अंश, क्या किया तुमने? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? रिलैक्स। अंश को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी जान तुमसे ज्यादा प्यारी है। और अब जैसे ही मैं गुनगुनाऊंगी मेरी आवाज में तुम सब खो जाओगे। नहीं नहीं नहीं। और उसके बाद मेरी चुटकी बजाते ही तुम सब कुछ भूल जाओगे कि मेरा असली रूप क्या है। हे भगवान, ये डायन गीत गाने वाली है, सब लोग अपने कान बंद कर लो, कान बंद कर लो। अविनाश क्यों रही हूँ? लगता है खुशी के आंसू होंगे।
खुशी के आंखों होंगे। आदि ने अंगूठी दे दी। आदि कहाँ? अरे आदि कहाँ चला गया? वो बच्चा कहाँ चला गया? अरे आदि सुन। अरे बाप रे, ये तो ऐसे भागा जैसे इसने डायन देख लियो। चेताली, कुछ भी है। Excuse me. मैं उस बच्चे को हिप्नोटाइज करना कैसे भूल गई? आई एम श्योर उसे सब याद होगा। मुझे उसे अंश को बताने से रोकना होगा। उर्वशी, बेटा सॉरी तुम्हें बुरा लगा तो वो अंश ऐसे ही मंगनी छोड़ के बीच में चला गया। आदि अभी बहुत छोटा है ना, उसे संभालना पड़ता है कभी कभी। क्या हुआ बेटा, इतना रो क्यों रहे आप? वो आंटी अच्छी नहीं है बाबा, प्लीज आप उनसे शादी मत करो। मुझे उनसे आंटी लगता है बाबा, प्लीज डोंट मैरी हर। आदि, आप उर्वशी आंटी को जानते तक नहीं हो, एक चांस तो दो उन्हें। तो बाबा नो, वो अच्छी आंटी नहीं है, वो मॉन्स्टर है। बेटा, बड़ों के बारे में ऐसी बात नहीं करते, बैड मैनर्स होते हैं। लेकिन वो सच्ची में मॉन्स्टर है और मैंने उनको फ्लाई करते हुए भी देखा है। फ्लाई करते हुए देखा? हाँ, हाँ। और क्या कर रही थी? और वो मुंबई से फायर निकल रही थी। फायर? हाँ फायर। ओ गॉड। और? पापा, उनके पास बड़े बड़े विंग्स भी थे। बाप रे, विंग्स भी थे? हाँ। कहीं 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 ऐसा तो नहीं? प्लीज बाबा, ऐसे ही थे, सेम टू सेम। आदि, मैंने आपको कितनी बार समझा है कि ये सब सिर्फ स्टोरीज में होता है, रियल लाइफ में नहीं। नहीं पापा, ऐसे रियल लाइफ में भी होता है और मैंने खुद देखा है कि उर्वशी आंटी मॉन्स्टर है। आदि, आप उन्हें लाइक नहीं करते इसलिए आप ये कह रहे हैं ना? रिमेम्बर, वो हमारी फैमिली की मेंबर बनने वाली, और फैमिली मेंबर्स के साथ ऐसे बात नहीं करते। मैंने आपसे पहले भी कहा है और हमेशा कहूंगा, जब तक आपके पापा आपके साथ हैं, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आदि, क्या हुआ अंश, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। आदि बेटा जाओ, हाथ मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ। I'm sorry, मुझे एंगेजमेंट छोड़कर आना पड़ा। It's okay, अंश, मैं समझ सकती हूँ। वो आदि थोड़ा अपसेट है, क्या हम थोड़ा वेट कर सकते हैं जब तक आदि का मूड ठीक नहीं हो जाता? ऑफ कोर्स हम वेट कर सकते हैं। तुम कहो तो मैं आदि से बात करूं? नहीं नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है, वो तुम्हें लेकर ही अपसेट है। मुझे लेके? बच्चा है ना, मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ इसलिए इनसिक्योर हो रहा है। उसे लग रहा है कि हमारी शादी के बाद उसका प्यार बढ़ जाएगा, इसलिए मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, ताकि उसे ये ना लगे कि हमारी शादी के बाद चीजें बदल जाएगी।
आई होप यू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे उस आदि का कुछ करना होगा। अंश, आदि का ख्याल रखना। क्या मंगनी? थोड़ी देर बात करेंगे। लेकिन क्यों भाभी? क्योंकि आदि अभी बहुत परेशान और अंश उसे इस हालत में अकेले छोड़कर मंगनी नहीं करना चाहते। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन उर्वशी, उसके मम्मी पापा, वो क्या सोचेंगे? उसकी चिंता तुम मत करो चेतन। अंश ने उर्वशी से बात कर ली है और वो समझ भी गई है।